Good morning, Sarvada Namaskar to all of you. Today I start the topic class 10th, real number. Revisiting irrational number. Irrational number ko fir se revisit karte hain. Hum log pehle dekh chuke hain ki irrational number kya hota hai aur irrational number ko hum log irrational number ko bhi hum log number line pe represent karte hain. Isse pehle hum log ek real number aur irrational number ke bare mein seekh lete hain ki kya hota hai. To real number hum log pehle bhi padh chuke hain. जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने तब मैंने बताया था कि रियल नंबर जो होता है वो होता है क्या आपका रेशनल प्लस इरेशनल नंबर. ओके, इरेशनल नंबर के बारे में क्या कहना है. तो इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो न तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा. न टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैं सपोज कि मैंने 2.35 लिया, अब ये तो क्या हो गया, ये तो टर्मिनेट हो गया कि इससे क्या आगे कोई डिजिट ही नहीं है. अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया. बट यहाँ पे इरेशनल नंबर कह रहा है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट भी नहीं होगा. जैसे मैंने सपोज मैंने इसका इसमें लिखा 2.353535 ये क्या हो रहा है, ये आगे क्या चलता चला जाएगा, इसका मतलब हो गया कि रिपीट कर रहा है. तो ये दोनों कंडीशन 2.35 जो मैंने लिखा था और 2.34 ये दोनों ही इसके एग्जांपल नहीं होंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा, ये टर्मिनेट कर गया और ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है. यहाँ पे क्या बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए. तो आप कैसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे मैं लिख देता हूँ 1.01001000001000001 इस तरीके से आगे कंटिन्यू ऐसा चल सकता है. तो ये हो गया हमारा कि ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया. इरेशनल नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और ना ही रिपीट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन इरेशनल नंबर बोलेंगे. ठीक है, अब इरेशनल नंबर के बारे में और कुछ कहा जा रहा है कि भाई जो इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज द फॉर्म ऑफ इवल क्यूब. अब जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर जो मैंने कहा कि इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में भी राइट नहीं कर सकते हैं. पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्योंकि जब पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट होगा तो क्यू तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता, क्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए क्यू जीरो नहीं होगा इस फॉर्म में. आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशियो. भाई जब पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट करेंगे ही नहीं तो रेशियो के फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं इसको. सपोज कि मैंने जैसे अभी भी एग्जाम्पल लिया, ये इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा. तो इस एग्जाम्पल में आप इसको रेशियो के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं. हाँ, राइट किसको कर सकते हैं, जो टर्मिनेट हो जाएगा या जो टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट करेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में और रेशियो के फॉर्म में राइट कर सकते हैं. तो कहा गया कि अगर इरेशनल नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को मैं रेशियो के फॉर्म में नहीं कर सकता हूँ, तो इरेशनल नंबर को मैं किस फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, तो उसको देखते हैं. इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. मीन्स हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे इरेशनल नंबर को और भी एग्जांपल आप भी तो डेसिमल एक्सपेंशन बताया जा रहा था कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका नॉन रिपीटिंग और इंटरमिटिंग होगा. तो डेसिमल नंबर अगर नहीं है और इसको ऐसे रूट टू है, तो रूट टू क्या है, रूट टू भी एक इरेशनल नंबर है. रूट फाइव क्या इरेशनल नंबर है, रूट सेवन इरेशनल नंबर है. तो कहा गया कि सर क्या पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, रूट सेवन, रूट इलेवन, रूट सिक्सटी फोर, सारे के सारे क्या पॉजिटिव इंटीजर होंगे. सारे पॉजिटिव इंटीजर, रूट अंडर पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या देगा, इंटीजर देगा और इरेशनल देगा इंटीजर भी. जैसे देखिए मैंने 64 लिखा, 64 ये गलत है. 64 का क्या आएगा जी, 64 का 8 आ जाता है. तो 8 क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया. और रियल नंबर कैसा, रेशनल नंबर हो गया क्योंकि इसको फॉर्म में ऐसे पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं. और क्या है, ये इंटीजर है तो इसको हम इंटीजर के फॉर्म में और इरेशनल नंबर भी हो सकता है क्योंकि जैसे सेवन, सेवन क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर. अब यहाँ पे कहा कि सर
तो क्या होगा भाई, इंटीजर भी होगा कभी कभी इरेशनल भी होगा, तो ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर है? हाँ जी, हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेवन देखिए, सेवन कैसा नंबर है, सेवन कैसा नंबर है, यहाँ पे जो मैंने सेवन लिखा है, रूट सेवन, रूट सेवन, सेवन क्या है, सेवन एक प्राइम नंबर है, सेवन एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का रूट, प्राइम नंबर का रूट जो होगा वो ऑलवेज, प्राइम नंबर का जो रूट होगा वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। ऑलवेज क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, ओनली प्राइम नंबर। अब आप बोलेंगे सर कंपोजिट नंबर क्या होगा फिर, तो देखते हैं कंपोजिट नंबर में भी, कंपोजिट नंबर जितने भी कंपोजिट नंबर होगा उसका इरेशनल होगा और इंटीजर होगा, सेम एज आपका पॉजिटिव इंटीजर की तरह कंपोजिट नंबर भी आपका इरेशनल देगा और इंटीजर देगा। मैंने इरेशनल और रेशनल नहीं लिखा क्योंकि देखिए, अब जैसे मैं रूट फिफ्टीन ले लेता हूँ, रूट फिफ्टीन ले लेता हूँ, रूट फिफ्टीन कैसा नंबर है, चलिए इस बात को हम लोग आगे समझेंगे, इसके बाद बात ही है इसको और आगे समझेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग को इरेशनल नंबर को प्रूव करना, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इरेशनल नंबर को रूट टू को रूट थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ये एक्चुअली हम लोगों ने कर लिया है नाइन्थ क्लास में, उसको थोड़ा सा एक बार बता भी दूंगा मैं, सर थोड़ा बता ही देता हूँ इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, आप चाहे तो उसको नोट कर लीजिए, बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज मेरे को रूट टू, रूट टू को मेरे को इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और इस इरेशनल नंबर को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग जानते हैं एक नंबर लाइन लेते हैं और इस नंबर लाइन पे जीरो, और पहले देखना क्या है कि हमें वन यूनिट यहाँ पे आगे चलना है, वन यूनिट यहाँ पे मैंने वन ले लिया, तो यहाँ पे वन यूनिट हो गया, वन वन यूनिट हो गया, और वन यूनिट हमें आगे भी चलना है, वन यूनिट हमें क्या चलना है, अभी ऊपर चलना है, वन यूनिट जितना यूनिट ये मैंने लिया उतना ही, जितना यूनिट मैंने ये लिया है उतना ही यूनिट हमें इधर भी लेना है, तो ये मैंने उतना यूनिट ले लिया और फिर इसको हम मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन। ओके, ज्वाइन करने के बाद ये भी वन यूनिट है, यहाँ पे मैंने पी क्यू आर ले लेता हूँ, और पी आर को रेडियस लेते हुए, पी आर को रेडियस लेते हुए, पी आर को रेडियस लेते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करेंगे, और ये जो कर्व यहाँ पे आएगा ना वही हमारा क्या होगा, रूट टू होगा, यही हमारा रूट हो गया। अब आप इसी तरीके से रूट थ्री भी ले सकते हैं, रूट फाइव भी ले सकते हैं, रूट इलेवन, इसी तरीके से आप आगे कर सकते हैं। जैसे रूट थ्री लेना होगा तो आप क्या करेंगे, अब जैसे देखिए आपको रूट थ्री के लिए रूट टू ऑलवेज बनाना पड़ेगा। अब रूट टू ये वाला हमारा क्या हो गया, रूट टू हो गया। अब यहाँ से एक यूनिट हम और आगे चलेंगे, यहाँ से एक यूनिट और आगे का मतलब है कि यहाँ पे आप 90 डिग्री बनाते हुए आप थोड़ा आगे चलेंगे, ये 90 डिग्री होगा बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि ये 90 डिग्री ही वन, और वन यूनिट ही लेना है आपको, ये वन यूनिट ही होना होगा, ये आपका कितना होगा, वन यूनिट होगा। और इस फिर से क्या करेंगे, इसको कुछ कुछ नेम दे देंगे, एस नो एस दे दिया मैंने, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर। अब इसके बाद पी एस को रेडियस मानते हुए, पी एस को रेडियस रेडियस लेते हुए कर्व बनाएंगे, और ये कर्व यहाँ पे आता, तो ये जो होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये हमारा क्या होगा, रूट थ्री होगा। ठीक है, आप इसी तरीके से आगे, ये जो हमारा आगे क्या आ गया, रूट थ्री आ गया। तो इस तरीके से हमने नाइन्थ क्लास में रूट थ्री को, रूट फाइव को, रूट इलेवन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, और मैंने रूट में डेसिमल नंबर को 2.9 मैंने इसको भी करने के लिए सीखा था। उसका क्या था जी, तो मैंने एक नंबर लाइन लिया और नंबर लाइन को जीरो, अब क्या किया मैंने 2.9 पहले मैंने इसमें मेजर कर लिया, मेजर कर लिया, सपोज यहाँ पे 2.9 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को एक यूनिट और आगे बढ़ाना है, 3.9 बना देना है इसमें, एक पॉइंट और आ गया, मैंने सपोज यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, इसको इसका बाई सेक्टर, इसका बाई सेक्टर बनाना है, इसका बाई सेक्टर बनाना है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से आधा से ज़्यादा लेकर के इधर कट करते हैं और इधर कट करते हैं,
और इसके बाद यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे कट करते हैं और इसके बाद फिर इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है जी, ऐसे मिला दिया। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ से कर्व बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम हम लोगों ने बढ़ाया था वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद इसको रेडियस लेते हुए इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेते थे, और ये क्या हो गया था हमारा रूट अंडर 2.9। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट वाइज, अभी हम लोगों को टेंथ में ये सब नहीं देखना है कि हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें बस अब क्या करना है कि सपोज ये रूट टू को मैंने इरेशनल नंबर कहा और इरेशनल को मैंने रूट टू को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया भाई, तो अब कहा जा रहा है क्वेश्चन क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास टेंथ में कहना ये है कि ये रूट टू है तो इस रूट टू को आप प्रूव कीजिए। क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना, ओके। तो रूट टू को हम कैसे प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर, देखते हैं। यहाँ एक थ्योरम मैं आपको बताऊंगा, थ्योरम क्या है इसको मैं थोड़ा ड्राइव कर लें। जो प्रूफ होगा, प्रूफ का जो मेथड होगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब, अब कैसे क्या होगा कि जैसे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है सच को झूठ मानते हुए और उस पर काम करने लगते हैं। जैसे सपोज कि मैंने कुछ चीज़ें गलत है रॉन्ग है, और मैंने उसको राइट एज्यूम कर लिया और फिर इस रास्ते पे चलता गया और कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला लगेगा और फिर से वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर हम लोग जो कहेंगे कि जो रॉन्ग था वही सही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, सही गलत को सही मान लिया। चलते हैं देखते हैं, बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, मतलब जो गलत है उसको मैंने सही मान लेना है और सही मानते हुए उस पर चलते रहना है, काम करते रहना है, और फिर चलते हैं इस मेथड को, फिर बाद में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।